दोस्तों आज मैं चार ऐसे एथलीटों की रियल स्टोरी लेकर आया हूं जिनके जोश और जुनून के सामने मौत ने तो घुटने टेके ही, साथ में उन्होंने विश्व को भी फतेह किया, जिन्होंने अपनी शारीरिक अपंगता को ही अपनी ताकत बना डाला। ये स्टोरीज मोटिवेशन के साथ साथ आपके रोंगटे भी खड़े कर देंगी। तो आइए शुरू करते हैं। एक बच्चा जिसने 7 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया, 3 बहनों के इकलौते भाई को माँ ने बड़े कष्टों से पाला। जब वह 10 साल का हुआ तो पहलवान बनने का ख्वाब देखने लगा। माँ ने उसके सपने को साकार करने के लिए उसे अखाड़े में पहलवान बनने के लिए छोड़ दिया। वो अखाड़े में बहुत ज़बरदस्त मेहनत करने लगा और देखते ही देखते उसने कई मेडल भी जीत लिए। अब उसका सपना कुश्ती में भारत को ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाने का था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जब वो 17 साल का हुआ तो एक दिन वह मोटरसाइकिल पर कहीं जा रहा था, पीछे से एक ट्रैक्टर ने उसको टक्कर मारी और उसका बायां पैर ट्रैक्टर के टायर के नीचे आ गया। डॉक्टरों ने जान बचाने के लिए उसका बायां पैर काट डाला। अब वो अपना बायां पैर खो चुका था और साथ के साथ अपने पहलवान बनने के सपने को भी। कई महीनों तक अस्पताल के बेड पर रहने के बाद एक बार तो उसे लगा कि उसकी ज़िंदगी अब अंधकारमय हो गई है, बिना पैर के वो क्या करेगा। घर में कोई कमाने वाला नहीं था। माँ ने बड़े कष्टों से उसे पहलवान बनाने के लिए कोशिश की थी, लेकिन वह भी अब धूमिल हो चुकी थी। लेकिन उस लड़के के हौसले बुलंद थे, उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने कुछ अलग करने की सोची। उसने नकली पैर लगवाया और जेवलिन थ्रो की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। वह हर रोज सुबह 3 बजे उठकर स्टेडियम पहुंच जाता और जेवलिन थ्रो की प्रैक्टिस करने लगा। और इसी मेहनत के बल पर उसने एक्सीडेंट के 4 साल बाद 2019 में पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया और वहाँ उसने सिल्वर मेडल जीत लिया। थोड़े दिनों बाद ही 2019 में ही 62.88 बाला फेंक कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक हासिल कर लिया। अब बारी थी अपने बचपन के सपने को साकार करने की, यानी कि ओलंपिक में गोल्ड लाने की। गोल्ड तो गोल्ड होता है, चाहे वह कुश्ती में आए चाहे जेवलिन थ्रो के अंदर आए। और 2021 के टोक्यो पैरालंपिक में अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ते हुए स्वर्ण पदक अपने व देश के नाम किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुमित अंतिल के बारे में, जिन्होंने एक ओलंपिक में अपने रिकॉर्ड को 3 बार तोड़ा। उन्होंने अपने पहले प्रयास में 66.95 मीटर का भाला फेंका और अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके बाद दूसरे थ्रो में उन्होंने 68.08 मीटर तक का भाला फेंका और एक बार फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। और अपने 5वें थ्रो के अंदर उन्होंने 68.55 मीटर भाला फेंक कर फिर से विश्व कीर्तिमान स्थापित करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया। पूरे देश को सुमित अंतिल पर गर्व है, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारी और अपने जुनून व मेहनत से यह मुकाम हासिल किया। राजस्थान के गरीब परिवार में जन्मा एक बच्चा जो करीब 8 साल का था तो फल तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ता है और उसी दौरान उसका बायां हाथ एक बिजली के तार से छू जाता है। डॉक्टरों ने उसके परिवार को बायां हाथ काटने की सलाह दी। इस तरह छोटी सी उम्र में ही इस हादसे ने बच्चे को अपाहिज बना दिया। छोटी उम्र में ही हाथ कटने से बच्चे के मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, लेकिन माँ बाप के समझाने और उसकी खुद की हिम्मत की बदौलत वह फिर से बच्चों में खेलने लगा। उसे भाला फेंकना बहुत पसंद था। वह घर पर ही लकड़ी का भाला बनाकर फेंकने लगा और धीरे धीरे इस मेहनत, जुनून और संकल्प की बदौलत वह भारतीय पैरा ओलंपिक इतिहास का सबसे महान एथलीट बनता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पैरा ओलंपिक के भारतीय इतिहास के महान एथलीट जेवलिन थ्रोअर देवेंद्र झांझड़िया की, जिन्होंने जेवलिन थ्रो के अंदर 2004 व 2016 पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड व 2021 में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। इस तरह देवेंद्र झांझड़िया भारतीय ओलंपिक इतिहास में 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीतने वाले इकलौते एथलीट हैं। देवेंद्र झांझड़िया को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। उनकी शारीरिक अपंगता कभी भी उनको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाई। एक 11 साल की बच्ची अपने पिता के साथ कार में जा रही थी, अचानक उनका एक्सीडेंट हो जाता है। पिता तो कुछ दिनों बाद ठीक हो जाते हैं, लेकिन बच्ची की रीढ़ की हड्डी टूटने से वह कमर से नीचे पूरी तरह से अपंग हो जाती है और पूरी जिंदगी के लिए व्हीलचेयर पर आ जाती है। इस घटना ने बच्ची को अंदर से तोड़ डाला। वह हमेशा अपने आप को कमरे में बंद किए रखती। एक दिन पिता ने अभिनव बिंद्रा की बायोग्राफी लाकर उसे दी। बायोग्राफी से प्रेरणा लेकर उसने कुछ करने की ठानी और अपने अपंगता को पीछे छोड़ते हुए जीवन में कुछ करने का प्रण लिया। वह घर के पास में ही एक शूटिंग रेंज में जाकर अभ्यास करने लगी। उसके लिए यह सब आसान नहीं था, लेकिन उसने अपने जुनून, संकल्प और परिवार के सहयोग से धीरे धीरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मेडल जीतने शुरू कर दिए। फिर वह दिन भी आया जब उसने भारत के इतिहास में पहली महिला पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने का गौरव हासिल किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक व 50 मीटर में कांस्य पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला गोल्ड मेडलिस्ट अवनी लेखरा की। मैच 19 साल की अवनी लेखरा भारत के ओलंपिक इतिहास की पहली महिला है जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है।
साथ ही इसी पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक भी हासिल किया है। हम उनके खेल के प्रति उनकी जिद व जुनून को सलाम करते हैं। एक गरीब परिवार में जन्मा बच्चा जिसकी विधवा माँ दिन दाड़ी मजदूरी करती और ईंट उठाने का काम करती थी। जब वह बच्चा 5 साल का होता है तो एक बस ने टक्कर मारी और बच्चे का एक पैर कट गया। माँ को जब छाती में दर्द की बीमारी हुई तो उसने सब्जियां बेचने का काम शुरू कर दिया। वो इतने गरीब थे कि उन्हें कोई किराए पर भी मकान नहीं देता था। बच्चे को वॉलीबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता था और अपने एक पैर के खराब होने के बावजूद भी वह स्कूल में इसे खेलते रहे। जब एक दिन एक टीचर ने उन्हें हाई जंप में हाथ आजमाने को कहा तो वो बात उन्हें जच गई और वो इसकी प्रैक्टिस करने लगे। 14 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार हाई जंप की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और वो भी सामान्य एथलीटों के खिलाफ, और उस प्रतियोगिता में वो दूसरे स्थान पर रहे। उसके बाद तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और इसी को अपना करियर बनाने की सोच ली। वो सुबह शाम अखबार बेचता, बाद में प्रैक्टिस करता और दिन में मजदूरी भी करता। धीरे धीरे अपनी मेहनत की बदौलत उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने शुरू कर दिए। इन्हीं उपलब्धियों की वजह से उनका 2016 पैरा ओलंपिक में चयन हो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2016 पैरा ओलंपिक में हाई जंप में गोल्ड मेडल और 2021 पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले महान एथलीट हाई जंपर मरियप्पन थेंगवलू की, जिन्होंने 2 लगातार ओलंपिक में हाई जंप में गोल्ड मेडल व सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। 2020 में मरियप्पन थेंगवलू को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। तो दोस्तों, ये सारे एथलीट ऐसे हैं जिन्होंने हमें कुछ सिखाया है, जिन्होंने शारीरिक अपंगता को कभी अपनी कमजोरी नहीं समझा बल्कि उसको अपनी ताकत बना लिया, अपना हथियार बना लिया। यदि आदमी चाहे तो क्या हासिल नहीं कर सकता, हम इनसे सीख सकते हैं। इस वीडियो ने आपके अंदर कुछ सकारात्मक ऊर्जा भरी है तो वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।